अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समरी पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन, इस पोएम की समरी पढ़ेंगे हम। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिटरेरी मीनिंग इस पोएम की लाइन बाय लाइन। इस वीडियो में हम समरी पढ़ेंगे, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इज़ अ वेल नोन पोएम रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएम है लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसिस। ये चॉइसिस के बारे में है ये पोएम। द चॉइसिस दैट शेप अस, वो चॉइसिस जो हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। इन दिस पोएम द रोड सिंबलाइज द वेरियस ऑप्शन ऑफ आवर लाइफ एंड द ऑप्शन दैट वी डोंट चूज इज द रोड नॉट टेकन। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब हमें ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें एक को चुनना पड़ता है, और जो हम नहीं चुनते हैं उसी को बोलते हैं द रोड नॉट टेकन। बट वंस द पॉइंट हैड टू चॉइसेस, बट ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ देम। जिस पॉइंट को भी दो चॉइसेस थे और उसने एक ही को चूज़ किया। ही हैड चूजन वन एंड मूव्ड अहेड विद इट। एक को चूज़ किया एक रास्ते को और उसी पे चला वो। नाउ इफ ही वांट्स टू चेंज हिज चॉइस ही कांट डू सो। अगर वो अभी चेंज करना चाहेगा अपने इस चॉइस को, ये वो नहीं कर सकता अब, क्योंकि अभी टाइम गुजर चुका है। सो द चॉइसेस दैट वी मेक इम्पैक्ट्स आवर फ्यूचर। जो हमने रास्ता चुना है वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस एज आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर। जो पॉइंट है वो कन्वे करना चाहता है मैसेज, क्या क्या जो हमारे एक इंसान को चाहिए कि वो अपने डिसीजंस को केयरफुली ले ले, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो डिपेंड है इन्हीं चॉइसेस पे। अगर रॉन्ग डिसीजन उसने लिया तो फिर तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। थ्रू दिस द पॉइंट कन्वेज दैट इन आवर लाइफ व्हाट एवर डिसीजन वी टेक और चॉइसेस वी मेक, ईच चॉइस हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस। पॉइंट बता रहा है कि जो हमारे लाइफ में डिसीजंस हम लेते हैं, हर किसी चॉइस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, प्रॉब्लम जो है वो हर जगह है। सो वी मस्ट बी रेडी टू फेस देम। हमें उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, हमें रेडी रहना चाहिए उनको फेस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट वॉज फॉर टुडे, सी यू सून।